हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स में। एंड अभी देखिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था एक ये। ओके, तो ये था हमारे रेयर ब्लैक टाइगर का। एंड ये पाया गया है सिमलीपाल नेशनल पार्क में। सिमलीपाल कहाँ है और ब्लैक टाइगर जो है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ब्लैक टाइगर देखा गया है सिमलीपाल में। ओके, एक IFS ऑफिसर थे जिन्होंने इसको ट्वीट किया। आजकल जो IAS और IPS IFS हैं ये आजकल ट्वीट करके ही बहुत सारा नॉलेज देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक ये ट्वीट किया था वीडियो, इसमें ये ब्लैक टाइगर देखा गया था। एक्चुअली ये वीडियो कैसे बनता है आप यहाँ पे देख लीजिए। पहले फोटो में ही आपको बता देता हूँ। बहुत सारे जंगल जो होते हैं, नेशनल पार्क या फिर वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पे ट्रैप कैमरे लगे हैं। ट्रैप कैमरा क्या होता है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे पेड़ में लगा हुआ है जो, ठीक है दिख रहा है यहाँ पे आपको, इस प्रकार से पेड़ में इसको कैमरा लगा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि बैटरी लगी होती है छोटी सी, और ये क्या करता है कि ट्रिगर होता है तभी जब वहाँ पे कोई साउंड होता है, ठीक है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो जब भी मान लीजिए टाइगर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे ही हो गया, ये कोई आदमी कैमरा लेके थोड़ी ना खड़ा होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, कैमरा लगा दिया जाता है एक पेड़ में। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ये पेड़ है। ओके, एंड टाइगर आया जब, तो इस पे क्या हुआ कि चढ़ के देख रहा था, कुछ सूंघ रहा था, उसके बाद यहाँ से वो चला गया। ओके, तो यह क्या हुआ था कि यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है इस पेड़ में, इसी प्रकार का एक पेड़ रहा होगा, यहाँ कैमरा लगा रहेगा। जैसे ही अब देखिए यहाँ सूखे पत्ते पड़े रहते हैं, तो जब टाइगर आएगा तो यहाँ पे आवाज़ होगा, इसके कुरकुराहट सी आवाज़ होगी जैसे चलने की। तो उससे क्या होगा कि कैमरा तुरंत ऑन हो जाएगा और ट्रिगर करेगा, सामने सिर्फ इतना ही फोकस करेगा वो एरिया, सभी तरफ नहीं करता। और ये खासकर क्या होता है कि ऐसे पैटर्न पे कैमरे लगाए जाते हैं जहाँ से अक्सर ये टाइगर गुजरते रहते हैं, या फिर कोई भी जानवर जो गुजरता है ऐसे ही स्थानों पे इसको लगाया जाता है। ओके, तो ये क्या करेगा, कैमरा ट्रिगर करेगा, तुरंत कैमरा ऑन हो जाएगा और एक छोटा सा वीडियो या ऑडियो बना लेगा। फिर जब ये टाइगर चला जाएगा, साउंड खत्म हो जाएगी, तो ये अपने आप बंद हो जाता है। ओके, और ये जो टाइगर है, ये यहाँ पे ट्वीट करके ये भी इनके द्वारा बताया गया कि ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ये टाइगर देखा गया है ब्लैक कलर में। इसके पहले भी इसको डिस्कवर किया गया था पहली बार जब, तो 2007 का समय था वो। उसके बाद इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुए हैं। 2017 में भी रिसर्च हुआ कि ये टाइगर ब्लैक क्यों है, और यहाँ पे इन्होंने एक PDF भी अपलोड किया था कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि किस वजह से ये ब्लैक होते हैं। अब ब्लैक टाइगर्स होते कैसे हैं, ये देखिए, ये मेलानिन का कमाल होता है। जैसे कि हम हमारा शरीर होता है, जो मनुष्यों का शरीर होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, तो ये मेलानिन की वजह से ही होता है। यही मेलानिन इन टाइगर के भी अंदर पाया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, इनका थोड़ा सा रंग जो होता है काला हो जाता है, जिसकी वजह से ये दुर्लभ हो जाते हैं। और एक और चीज़ होती है, जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो इनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि ये जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे भी इनको सुरक्षित रहने के लिए ये ब्लैक रंग काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अक्सर ये देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या तो नहीं है, और ये खासकर ऐसे ही उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वनों में ही देखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ओके, अब सिमलीपाल देख लेते हैं कि सिमलीपाल नेशनल पार्क है कहाँ। तो ये देखिए, जो उड़ीसा हमारी राज्य है, हम उड़ीसा राज्य वहाँ पे, ठीक है, ये भुवनेश्वर जो इसकी कटक राजधानी है, यहाँ से आपको उत्तर दिशा में पड़ता है ये। तो ओके, और यहीं पे आपको दिख जाएगा चांदीपुर। चांदीपुर अक्सर आप मैगजीन से या फिर न्यूज़पेपर में सुनते रहते होंगे, यहीं पे DRDO हमेशा अपने रक्षा उपकरणों का अभ्यास या फिर उस पर काम करती रहती है, उनका टेस्टिंग करती है, ठीक है। और आगे यहाँ पे भी था कि ये जो छद्म मेलानिन, इसको छद्म मेलानिन बोला जा रहा है, एंड ये जो बाघ हैं इनके अलावा भी नंदन कानन में, जो कि भुवनेश्वर में ही है, अरिंगार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई, और भगवान बिरसा जैविक पार्क रांची, यहाँ पे भी पाए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो सिमलीपाल में है उन्हीं से संबंधित है, यानी कि उन्हीं के माध्यम से प्रजनन करवाया गया है इनको। ओके, तो एक और चीज़ है कि ये जो टाइगर ब्लैक टाइगर हैं, इनके प्रजनन का भी एक
अगर मान लीजिए कि एक ब्लैक टाइगर है, ठीक है, और उसके एक नॉर्मल टाइगर से मेटिंग कराई जाती है, प्रजनन कराया जाता है, तो अगर चार बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे रिसर्च किया गया था कि अगर चार बच्चे पैदा होते हैं एक साथ, ध्यान रखिएगा, एक साथ अगर चार बच्चे पैदा होते हैं तो इनमें से एक हो सकता है ऐसा कि वो ब्लैक टाइगर पैदा हो, ठीक है, यानी कि एक ब्लैक टाइगर और एक नॉर्मल टाइगर में अगर मेटिंग कराया जाता है और एक साथ चार बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा ब्लैक टाइगर पैदा हो, ठीक है। ये एक जेनेटिक आधार होता है, ये हर जीव जंतु में देखा जाता है इस प्रकार की चीज़ें, ओके। और इसी प्रकार से इसमें भी ऐसा पैटर्न देखा गया था।